नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में बेयरिंग टॉपिक पे पूछे जाते हैं सो लेट्स स्टार्ट तो पहला क्वेश्चन है विच टाइप बियरिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री में कौन सी टाइप के बियरिंग का यूज किया जाता है तो इसका आंसर आपने देना है पहला जनरल बेयरिंग जिनको हम प्लेन बेयरिंग भी कहते हैं जैसे कि बुश बेयरिंग और सेकेंड है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग और इन रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग में आते हैं बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग यानी जिन बेयरिंग में रोटेटिंग एलिमेंट्स का यूज किया जाता है उन्हें रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग कहते हैं क्वेश्चन नंबर टू टाइप्स ऑफ लोड एक्ट ऑन बेयरिंग बेयरिंग पे कौन से लोड एक्ट करते हैं तो सबसे पहला है एक्सियल लोड यानी जो एक्सियल डायरेक्शन में लोड पड़ता है उसको एक्सियल लोड कहते हैं और जो रेडियल डायरेक्शन में लोड पड़ता है उसको रेडियल लोड कहते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ट इज नॉर्मलटिंग टेम्परेचर ऑफ बियरिंग बियरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है काफी बारे इंटरव्यू में पूछा गया है तो इसका अपने आंसर देना है सिक्सटी टू एट्टी डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर फोर विच मटीरियल इज यूज फॉर मैनुफेक्चरिंग जनरल बियरिंग प्लेन बियरिंग बनाने के लिए किस मटीरियल का यूज किया जाता है दोस्तों प्लेन बियरिंग में ब्रॉन्ज गन मेटल ब्रास पीटीएफ और कास्ट आयरन का यूज किया जाता है पर सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज कम इन एंटी में से से जिन बियरिंग में रोटेटिंग एलिमेंट्स का यूज किया जाता है वो एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग में आते हैं जैसे कि बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स विच मटीरियल यूज टू मेक बॉल बियरिंग बॉल बियरिंग बनाने में किस मटेरियल का यूज किया जाता है इसका आंसर दोस्तों आपने देना है कार्बन क्रोम स्टील क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डू यू कैलकुलेट द ग्रीस क्वांटिटी ऑफ बियरिंग बियरिंग में कितनी ग्रीस लगेगी इसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए दोस्तों आपको बियरिंग के ओडी को मल्टीप्लाई करना है उसकी विर्थ के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव के साथ तो इसके बाद आपके पास ग्रीस की क्वांटिटी आ जाएगी ग्राम में क्वेश्चन नंबर एट हाउ डू यू नोम क्लेचर द बियरिंग ऑफ तिरसठ सौ नो डबल जेड तिरसठ सौ नो डबल जेड बियरिंग का एक, एक एक अक्षर क्या इंडिकेट करता है सिक्स इंडिकेट करता है बियरिंग की टाइप को थ्री इंडिकेट करता है बियरिंग के ओडी और वर्थ को जीरो नाइन इंडिकेट करता है बियरिंग के बोर साइज को और डबल जेड इंडिकेट करता है कि बियरिंग के दोनों तरफ मेटल की शील्ड लगी हुई है क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट आर द मेन रीजन फॉर बियरिंग फेलियर्स बीरिंग के फेल होने के कौन से मेन कारण होते हैं सबसे पहला कारण है लैक ऑफ लुब्रिकेशन नंबर सेकंड कंटेमिनेशन इन लुब्रिकेंट नंबर थ्री मिस अलाइनमेंट नंबर फोर्थ इम फिटिंग नंबर फाइव होता है वाइब्रेशन क्वेश्चन नंबर टेन वट यू मीन बाय बियरिंग क्लियरेंस बियरिंग क्लियरेंस से आपका क्या मतलब है बियरिंग क्लियरेंस इज द क्लियरेंस या फिर गैप बिटवीन आउटर रेस और इनर रेस एंड रोलिंग एलिमेंट्स यानी बियरिंग के आउटर रेस इनर रेस और रोलिंग एलिमेंट्स के बीच में जो गैप होता है उसको बियरिंग की क्लियरेंस कहते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग